हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अ बिट एंड अ बिट ऑफ को कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए? दोस्तों, कभी कभी इसमें बहुत कन्फ्यूजन हो जाती है और उस कन्फ्यूजन को दूर करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि हम अ बिट एंड अ बिट ऑफ को सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक वही है, अ बिट एंड अ बिट ऑफ, कि इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अ बिट से स्टार्ट करते हैं कि अ बिट को कहाँ कहाँ पर यूज़ करना चाहिए। दोस्तों, एक चीज़ तो मैं आपको यही बता दूँ कि यूज़ अ बिट बिफोर एन एडजेक्टिव। अ बिट को एक एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल करना चाहिए, नाउन के पहले नहीं, या अगर नाउन के साथ एक एडजेक्टिव है तो भी यूज़ नहीं करना चाहिए। अ बिट को सिर्फ एक एडजेक्टिव के पहले यूज़ करना चाहिए। कैसे? यूज़ अ बिट बिफोर एन एडजेक्टिव, नॉट बिफोर अ नाउन और एन एडजेक्टिव एंड नाउन। जो मैं आपसे कह रहा था कि एक अ बिट को एक एडजेक्टिव के पहले यूज़ करना है, न कि नाउन के पहले या कोई नाउन के साथ एडजेक्टिव हो उसके पहले। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कहा जा रहा है ही इज़ अ बिट शाय। अब दोस्तों, अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये जो वर्ड है शाय, ये एक एडजेक्टिव है, इसीलिए इसके पहले अ बिट का इस्तेमाल हुआ है। ही इज़ अ बिट शाय, यानी वो थोड़ा सा शर्मा रहा है। न कि इसको कैसे यूज़ नहीं करना है, नॉट अ बिट शाय मैन, कि आपको नॉट अ बिट शाय मैन, शाय एक एडजेक्टिव है, मैन एक नाउन है, तो एडजेक्टिव और नाउन एक साथ है, उनके पहले हमको अ बिट यूज़ नहीं करना, हमको सिर्फ एक एडजेक्टिव के पहले अ बिट को यूज़ करना है। ऐसे दोस्तों, दूसरा एग्जांपल है, शी वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड, वो थोड़ा सा निराश थी। शी वॉज अ बिट के बाद दोस्तों डिसअपॉइंटेड एक एडजेक्टिव है, इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते जैसे लिखा है मैंने यहाँ पर, नॉट अ बिट डिसअपॉइंटेड गर्ल, कि वो एक थोड़ी सी निराश लड़की थी, ऐसे नहीं बोल सकते, वो थोड़ी सी निराश थी ऐसे बोलना चाहिए। तो शी वॉज अ बिट डिसअपॉइंटेड। तो दोस्तों, आप समझ गए कि यहाँ हमको अ बिट को एक एडजेक्टिव के पहले इस्तेमाल करना है, नाउन के पहले नहीं, या अगर नाउन के साथ एडजेक्टिव लगा हुआ उसके पहले भी नहीं, सिर्फ एडजेक्टिव के पहले। उसके बाद दोस्तों, दूसरा यूज देखते हैं अ बिट का क्या है। तो यहाँ कहा जा रहा है कि यू कैन ऑल्सो यूज अ बिट आफ्टर अ वर्ब और इट्स ऑब्जेक्ट, एक वर्ब के बाद या वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद भी अ बिट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे यहाँ लिखा गया है, आई क्राइड अ बिट, मैं थोड़ा सा रोया, किसी को दुख पहुँचा होगा। तो दोस्तों, क्राइड एक वर्ब है और उसके बाद अ बिट का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ क्या कहा गया कि यू कैन ऑल्सो यूज अ बिट आफ्टर अ वर्ब, तो वर्ब के बाद अ बिट का इस्तेमाल किया गया। इसको हम ऐसे नहीं बोल सकते, नॉट अ बिट क्राइड, आई अ बिट क्राइड ऐसे नहीं बोल सकते, आई क्राइड अ बिट ऐसे बोल सकते हैं। जैसे दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है, शी स्माइल्ड अ बिट, वो थोड़ा सा मुस्कुराई, इसको हम ऐसे नहीं कह सकते, नॉट अ बिट स्माइल्ड, शी अ बिट स्माइल्ड ऐसे नहीं बोल के हमको बोलना चाहिए, शी स्माइल्ड अ बिट। तो एक वर्ब के बाद भी अ बिट का इस्तेमाल होना चाहिए। तो दोस्तों, अ बिट के दो यूजेस हुए, पहला क्या कि एक एडजेक्टिव के पहले आपको अ बिट का इस्तेमाल करना है, और एक वर्ब के बाद आपको अ बिट का इस्तेमाल करना है। अब दोस्तों आते हैं कि अ बिट ऑफ, इसका यूज हमको कैसे करना है। तो यूज अ बिट ऑफ बिफोर अ नाउन और एन एडजेक्टिव एंड नाउन। अ बिट ऑफ को आपको नाउन के पहले यूज करना है, या नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव हो तो यूज करना है। यहां क्या करना था, एक एडजेक्टिव के पहले यूज करना था, नाउन के पहले नहीं, या नाउन के साथ एडजेक्टिव हो उसके पहले नहीं यूज करना था, और अ बिट ऑफ को नाउन के पहले यूज करना है, एडजेक्टिव के पहले नहीं, या एक एडजेक्टिव और नाउन है तो उसके पहले भी यूज कर सकते हैं। कैसे? जैसे एग्जाम्पल लिखा गया कि देर वॉज अ बिट ऑफ ट्रबल, तो दोस्तों ट्रबल एक नाउन है, इसीलिए इसके पहले अ बिट ऑफ का इस्तेमाल किया गया, देर वॉज अ बिट ऑफ ट्रबल। इस बात को हम ऐसे नहीं कह सकते, नॉट अ बिट ट्रबल, मतलब देर वॉज अ बिट ट्रबल ऐसे बोलना सेंटेंस हमारा गलत हो जाएगा, देर वॉज अ बिट ऑफ ट्रबल ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, दूसरा एग्जाम्पल है, इट वॉज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंज डिसीजन। अगर आप इस सेंटेंस को ध्यान से देखें तो अ बिट ऑफ के बाद स्ट्रेंज एक एडजेक्टिव है और डिसीजन एक नाउन है, तो इस सेंटेंस में एक एडजेक्टिव और एक नाउन दोनों एक साथ है, तो एडजेक्टिव और नाउन एक साथ हो तो उसके पहले हमको अ बिट ऑफ का इस्तेमाल करना है, अ बिट का नहीं जैसा यहाँ पर लिखा गया था। सो इट वॉज अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंज डिसीजन, इसको ऐसे नहीं बोल सकते, नॉट अ बिट स्ट्रेंज डिसीजन, यानी इट वॉज अ बिट ऑफ स्ट्रेंज डिसीजन ऐसे नहीं बोल के, अ बिट ऑफ अ स्ट्रेंज डिसीजन ऐसे हमको बोलना चाहिए। तो दोस्तों, आपने देखा अ बिट एंड अ बिट ऑफ का क्या सही यूज़ है। आपको इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट इंग्लिश लिखिए आप बोल सकते हैं।
और अगर करियर में आगे बढ़ना है तो हमको करेक्ट इंग्लिश लिखना या बोलना सीखना चाहिए। इनकरेक्ट इंग्लिश लिखना या बोलना लॉन्ग रन के लिए ठीक नहीं होता। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, जिससे कि दूसरे लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँच सके। और अगले वीडियो में हम फिर एक मिलकर नई चीज़ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।